कर रहे हैं आप? सर मैं गुवाहाटी से बात कर रहा हूँ सर। फोटो खिंचवा लीजिए, 5 दिन की डेट और बढ़ गई है आपकी, ठीक है? शाम हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बायोलॉजी फॉर ऑल। आज मैं फिर से आ गया हूँ सीएसआर के एक बड़े अपडेट के साथ। जैसा कि आप सभी को पता है कि सीएसआर का करेक्शन विंडो जो था वो कुछ 10 से 15 दिन पहले खुला हुआ था, तो अभी लेटेस्ट बंद हुआ है। तो ये करेक्शन विंडो खुलने के बाद क्या हुआ, स्टूडेंट ने फिर से सेम ही मिस्टेक किया। किसी ने अपना बैकग्राउंड चेक अच्छे से नहीं किया, वाइट बैकग्राउंड चाहिए होता है, और या सिग्नेचर क्लियर नहीं था, किसी का पेरेंट्स के स्पेलिंग में गलती थी। तो मेरे कुछ मुस्लिम फ्रेंड है, तो उन्होंने हिजाब पहन के फ़ोटो खींचा था, तो उनका एयर एक्सपोज नहीं था, एयर एक्सपोज होना पड़ता है, तो ये सब प्रॉब्लम थी। या किसी का क्वालिफाइंग डिग्री है या पास हो चुका है, तो इसमें फिल करने में प्रॉब्लम हो गया था। तो क्या हुआ कि बहुत किसी का मुझे मेल आया, इवन मेरे फ्रेंड ने खुद फ़ोन करके मुझे पूछा कि इसका कुछ नहीं कर सकते क्या। तो मैंने एक काम किया कि आज के तारीख में, 17 तारीख है आज, तो जुलाई का 17 तारीख है, तो मैंने एनटीए में कॉल किया और मैंने कस्टमर केयर सर्विस को ये सब प्रॉब्लम जो फेस कर रहे स्टूडेंट्स को मैंने बोला, एनटीए के कस्टमर केयर सर्विस ने। तो उन्होंने बताया कि ये आज इस हफ्ते में, मैंने आज रात से आपका करेक्शन विंडो फिर से खुलेगा, आपको एक हफ्ते का फिर से चांस मिलने वाला है। और उनके साथ मुझे बात करते हुए उन्होंने मुझे एक्सप्लेन किया क्या क्या कर सकते हैं। तो आप ये ऑडियो सुनिए, मैंने ऑडियो रिकॉर्डिंग कर रखा था, तो ऑडियो सुनिए, आपको पता चल जाएगा। हेलो, हेलो, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। सर मुझे करेक्शन रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछना था। सीएसआर का जो मैंने करेक्शन किया था, मेरी बहन ने करेक्शन किया था, उन्होंने हिजाब पहनकर फोटो जो खींचा हुआ था पासपोर्ट साइज फोटो, तो उसमें उनका ईयर एक्सपोज नहीं था, तो उससे कुछ प्रॉब्लम होगा क्या? बिना आपके स्टाफ के कोई फोटो पड़ा है मैडम का? सर मैंने ऑलरेडी वो अपलोड किया गया है, तब करेक्शन तो विंडो भी बंद हो गया सर। नहीं, आपके पास जो बच्चा है उसका बिना कोई स्कार्फ का, मतलब जिसमें ईयर भी दिख रहे हो, क्लियर फोटो उनका, कोई ऐसा फोटो पड़ा आपके पास? हाँ वो तो है सर, व्हाइट बैकग्राउंड में है? कहाँ वो कन्फर्मली बोल नहीं सकते सर, वो देखना पड़ेगा सर। से बात कर रहे हैं आप? सर मैं गुवाहाटी से बात कर रहा हूँ सर। फोटो खिंचवा लीजिए, 5 दिन की डेट और बढ़ गई है आपकी, ठीक है? शाम को लिंक एक्टिवेट हो जाएगा, उसके बाद करेक्शन कर लेना आप, ठीक है? स्कार्फ को हटा के आप बिना नॉर्मल से आप उनकी फोटो खिंचवाना, क्योंकि जो आप सेंटर पर जाएंगे ना, तो सेंटर पर भी जो टीचर होंगे आपका, हो सकता है स्कार्फ उतार के उनको चेक किया जाए उनका फोटो, ठीक है? जी सर, और एक सर कॉन्फ्यूजन था सर, काइंडली पूछ सकता हूँ क्या सर? बोलिए बोलिए। सर एक्चुअली क्या हुआ था ना सर, मोबाइल वेरिफिकेशन और ईमेल वेरिफिकेशन नहीं किया था, उससे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा? नहीं, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, आप कर दोबारा कर सकते हैं, करेक्शन विंडो खुल गई है, उसमें जो मन करे आप दोबारा कर सकते हैं, लेकिन एक ही बारी में कर सकते हैं जो कुछ करना हो, ठीक है एक सर। टाइम के लिए और खुल रही है, और 5 दिन सर के लिए, कुछ उसके और बाद नहीं कुछ खुलेगी। प्रॉब्लम चेक करना चाहूँ तो वो कर सकता हो कि नहीं सर? देखिए, मेरे हिसाब से तो ये है कि अगर आप कंफर्मेशन पेज आपके पास है, जी सर, ठीक है, तो बेहतर यही होगा कि फोटो के अलावा और कुछ छेड़े मत, क्योंकि कुछ अगर आपसे कुछ ऊंच नीच हो जाती है, कभी कभी स्टूडेंट से हो जाती है, और वो करेक्शन विंडो में फाइनली सबमिट हो जाती है, तो फिर वो दोबारा करेक्शन के लिए बोलते हैं। जो कंफर्मेशन पेज में लिखा हुआ है वही आपका उसमें लिखा होगा, जी सर, ठीक है? तो इससे अच्छा तो आप चेक नहीं करें, ठीक है? फोटो ही आप उसको अपडेट करें, बाकी आपकी इच्छा है, ठीक है? ठीक है सर, थैंक यू सो मच। ओके। तो फ्रेंड, आप सभी को अभी पता चल गया है कि आपके पास एक हफ्ता है हाथों में, तो आप इस बार गलती मत कीजिए, केयरफुली अपना फोटो सिग्नेचर आपका सारा फॉर्म अच्छे से चेक कीजिए, अच्छे से फिल कीजिए। तो और जिस जिसको पता नहीं था, जिसके पास इंटरनेट का इतना फैसिलिटी अच्छा नहीं है, तो प्लीज़ आप फ़ोन करके उन सबको बता दीजिए, अगर हो सके तो आप खुद से फिलअप कर दीजिए, बिकॉज़ हर किसी के प्लेस में ये इंटरनेट इतना अच्छा नहीं होता। और अभी आप सभी को हेल्प कीजिए, बिकॉज अभी इतना पेंडेमिक है, सबका बहुत प्रॉब्लम चल रहा है, तो अगर आप हेल्प करोगे तो आपके साथ भी कुछ अच्छा होगा और एग्ज़ाम भी पास में आ रहे हैं। तो मैं यही बोलना चाहता हूँ कि आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। अगर आपको इस तरह का वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आपको इस तरह का अपडेट चाहिए हो, तो आप प्लीज़ हम मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ शेयर कीजिए अपने फ्रेंड के साथ। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय।